जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ये अपना डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज कर रखा है, तो आप देख रहे हो कैसे ये फॉन्ट आ रहा है। हाँ यार थोड़ा सा एक्चुअली। हेलो टेक्सचर्स, वेलकम है आप सबका टेकिफिशियन टॉक्स पे। सो मैं मनन आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप विंडोज 10 के अंदर अपना डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज करने वाले हैं। हाँ जैसे कि मैंने जो स्टार्टिंग वीडियो में जैसे आपने देखा कि मैंने चेंज कर रखा है वैसे। सो चलिए शुरू करते हैं। टेक्सचर्स, जैसे कि आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि आज हम विंडोज 10 के अंदर जो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो चेंज करने वाले हैं। अब आप लोग पूछोगे यार कि डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे। सो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ये अपना डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज कर रखा है, तो आप देख रहे हो कैसे ये फॉन्ट आ रहा है। हाँ यार थोड़ा सा एक्चुअली मेरी फॉन्ट की चॉइस इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा आपको अजीब सा दिख रहा होगा, बट जैसे कि देख रहे हो आप मैंने ये चेंज कर रखा है। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और इसके अंदर हम सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं रजिस्ट्री हैक का। सो रजिस्ट्री हैक्स क्या होते हैं विंडोज 10 के अंदर, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब हम विंडोज 10 की डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करनी होती हैं, तो हम उसके अंदर रजिस्ट्री हैक्स का यूज़ करते हैं, मतलब रजिस्ट्री फाइल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके अंदर क्या करते हैं, अब आप ऑफ कोर्स विंडोज़ की फाइल्स के अंदर जाके उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम अपनी ही एक्सटर्नल फाइल्स बनाते हैं और हम विंडोज़ को ये बताते हैं कि हमने आपकी रजिस्ट्री फाइल बनाई है, जो जिस जैसी फाइल्स विंडोज़ में बनी होती हैं। तो हमने वही रजिस्ट्री फाइल्स बनाई और हम उसको विंडो को बताते हैं कि ये भी भाई अब सिस्टम में इंक्लूड कर लो और इसके जैसा कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक छोटा सा काम, विंडोज़ करके सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे सर्च करिए फॉन्ट। सो आपके पास आ गया फॉन्ट सेटिंग्स। फॉन्ट सेटिंग्स पे गए, अब यहाँ पे देखो कितने सारे फॉन्ट्स मिल रहे हैं आपको, आप अपनी चॉइस का कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे मैंने यूज़ किया था ये वाला फॉन्ट, सॉरी ये रहा ब्रैडली हैंड ITC। ओके, तो इसके अंदर आप कुछ भी फॉन्ट मतलब आप चूज कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, आपको ये फॉन्ट का जो नेम होता है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सपोज आपने कोई भी फॉर्म चूज करा, सपोज हम चूज करते हैं ये बेल एम्प्टी। ओके, तो हमने बेल एम्प्टी चूज किया, अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सी फाइल का मतलब आपको मैं नीचे कोड दे दूंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज मैं देता हूँ न्यू फॉन्ट 1। ठीक है, इसमें डॉट TXT है, हमें TXT को हटा के REG फॉन्ट उसके साथ एक्सटेंशन के साथ सेव करना है इस फाइल को। एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको चेंज करना है, सो यस हमें चेंज करना है। सो आप देख रहे हो कैसे ये एक आइकन इसमें थोड़ा सा अच्छा सा आइकन आ गया। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो मैं आपको कोड दूंगा, आपको वो कोड कॉपी करना है पूरा, ठीक है, और उसे उस फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। सब आपने इसको पेस्ट कर दिया, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होता ब्रैडली हैंड ITC, अब हमने क्या चूज़ किया था, बेल MT। सो आपको ये करना है और इसे सेव कर देना है। ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये डबल कोट्स हैं ये वहीं पे रहने चाहिए, ये हटने नहीं चाहिए। ओके ठीक है, तो आपने इसे सेव किया, अब उसी फाइल पे जाइए राइट क्लिक, यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आएगा। सो मर्ज का मतलब क्या है कि आप विंडोज़ को ये बोल रहे हो कि भाई इस फाइल को भी अपने साथ, जो आप विंडोज़ रन करते हो जब बूट पे आप फाइल्स को रन करते हो, तो आप इसको मर्ज कर लो। और हाँ अगर आपको जो जो जैसे मैं बातें बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रही है या समझ नहीं आ रही कि ये भाई बूट क्या होता है ये सब क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पे जाके आप हमारी वीडियोस को भी चेक कर सकते हो, बिकॉज हमने उसमें ऐसी बातें कर रखी हैं और आगे भी हम ऐसी वीडियोस ही बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एज वेल, बिकॉज आपको ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो थोड़ी टेक्निकल नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सो अब आपने क्या किया, मर्ज किया, मर्ज करके एक प्रॉम्प्ट आया एंड आपने यस कर दिया। तो अब रजिस्ट्री एडिटर मतलब जो वो है, उन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है कि हमने आपकी फाइल इंक्लूड कर दी है।
अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद सिंपल आपको रीस्टार्ट करना है और आपका जो फॉन्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन तीन स्टेप्स को यूज़ करके आप अपने डिफॉल्ट फॉन्ट कोई भी चेंज कर सकते हो। बट अगर यार अब आप ये लोग बोलो, आप लोग बोलो कि यार हमें डिफॉल्ट फॉन्ट तो कर लिया बट हमें मज़ा नहीं आ रहा, हमें दूसरा फॉन्ट करना है, या हमें वो पुराने वाला फॉन्ट ही चाहिए यार जो विंडोज़ देता है, तो उसका भी बहुत सिंपल सा स्टेप है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये थोड़ा सा इसका बड़ा कोड है, तो इसको कॉपी करना है और इसको एक नई ऐसे ही फाइल बना के या जैसे भी आपको रखना है आप उसको जाके पेस्ट करिए, राइट क्लिक मारिए, अगेन मर्ज, यस प्लीज मर्ज, ऑफ कोर्स वी वांट टू कंटिन्यू, और ये उसने कर दिया कि सक्सेसफुली वो रजिस्ट्री में ऐड हो गई है। तो अब क्या होगा, जैसे ही विंडोज बूट होगी सो वो हमेशा पुरानी वीडियो पुराना जो फॉन्ट है वो ही पिकअप करेगा। सो ऐसे करके आप अपने फाइल्स या जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हो, या आप इतने सारे फॉन्ट्स में से एक, आपके पास कितने ही सारे फॉन्ट्स हैं तो आप इन फॉन्ट्स का यूज़ करके भी कोई भी आप फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हो सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए जैसे भी आपको लगी हो, ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। और हाँ ज़रूर, अगर आप लाइक करते हैं तो ऑफ कोर्स शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताइए ताकि वो कूल कूल फॉन्ट्स का यूज़ करें और वो आपको भी बताएं, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप हम कोई भी वीडियो डालें और आगे हम ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस डालने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले पता लगे कि हमने वीडियो अपलोड करी है। एंड हाँ ज़रूर, कमेंट सेक्शन में हमें अपना फेवरेट फॉन्ट ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट फॉन्ट है, एंड यस अगर आपके पास कोई सजेशंस है या कोई एडवाइस है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो टेक्सचर्स, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हाँ घर पे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बिल्कुल अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए एकदम। सो बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।